नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सोनू और आप देख रहे हो हमारा हिंदी यूट्यूब चैनल हिटसन। तो आज का जो हमारा वीडियो है, इसमें हम जानेंगे कि जो हमारी बाइक का जो फ्यूल टैंक का जो ये रेगुलेटर होता है, इसकी सही पोजीशन क्या होती है। इसे ऊपर की तरफ ऑन में रखना चाहिए या फिर नीचे की तरफ रिजर्व में रखना चाहिए। तो इन सभी सवालों के जवाब आज की इस वीडियो में आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को बिना ज़्यादा समय लिए। इस इमेज में यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों, आपकी बाइक का जो ऑयल टैंक का जो रेगुलेटर होता है, जो कि ऑन ऑफ करने का काम करता है, वो अंदर से कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है। और ये जो दो पाइप आपको दिखाई दे रही हैं, ये आपकी बाइक का जो टैंक होता है पेट्रोल का, उसके अंदर की तरफ चली जाती हैं। तो यहाँ पर इन दो ये जो दो पाइप हैं, इन्हें जो है अलग अलग लाइंस के नाम से जाना जाता है। पहली होती है मेन लाइन और दूसरी होती है रिजर्व लाइन। तो ये मेन लाइन और रिजर्व लाइन कब काम करती हैं, ये अभी मैं आपको प्रैक्टिकल में करके दिखाऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं इन दोनों का फंक्शन आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर सबसे ऊपर की तरफ जो पहली लाइन है, ये है आपकी मेन लाइन। यानी कि जब आपकी बाइक का जो पेट्रोल का जो ये 20 होती है, ये जब ऑन होती है, तो इस बड़ी वाली जो पाइप है, इसमें से आपका पेट्रोल जो है यूज़ होता है, और नीचे वाली जो ये छोटी पाइप है, ये उस समय बंद होती है। लेकिन जब पेट्रोल इस ऊपर वाली जो पाइप है, इससे नीचे की तरफ, थोड़ा सा नीचे की तरफ आता है, तो आपकी बाइक रुक रुक कर चलने लगती है। जिसका मतलब है कि आपकी बाइक के अंदर पेट्रोल ख़त्म होने लग गया है। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर इन दोनों पाइपों के बीच में जो ये जगह है खाली, इसमें अभी भी पेट्रोल होता है, जिसे हम रिजर्व पेट्रोल कहते हैं। रिजर्व का मतलब होता है किसी चीज़ को बचा करके रखना। तो इसका काम यही होता है कि ये आपकी बाइक के अंदर थोड़ा सा पेट्रोल बचा के रखता है, जिसे आप इमरजेंसी के टाइम यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर अगर मैं इन्हें लिखूँ तो आपको कुछ इस प्रकार से ये दिखाई देंगे। सबसे पहली है मेन सप्लाई, जिसमें से आपका नॉर्मली जो है पेट्रोल यूज़ होता है। दूसरी होती है रिज़र्व सप्लाई। रिज़र्व सप्लाई रेड कलर इसलिए दिया गया है क्योंकि जब हम हमारी बाइक का रिज़र्व सप्लाई ऑन करते हैं, तो हम खतरे की घंटी के अंदर होते हैं। यानी कि उस समय हमें जल्दी से जल्दी पेट्रोल बाइक के अंदर डलवा लेना चाहिए, क्योंकि उस समय हमारी बाइक का आखिरी जो पेट्रोल होता है, जो कि रिज़र्व होता है, वो भी यूज़ में होता है। तो यहाँ पर जो ब्लू कलर की लाइन आपको दिख रही है, यानी कि ऊपर वाली पाइप और नीचे वाली जो पाइप है, उन दोनों के जो सिरे हैं, उनके बीच में जितनी ये जगह बचती है, ये आपका रिजर्व ऑयल होता है। ये इमरजेंसी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जब आपकी बाइक का पेट्रोल रिजर्व सप्लाई से नीचे की तरफ चला जाता है, तो उस समय आपकी बाइक कहीं पर भी ले जाने लायक नहीं होती है, क्योंकि उसके अंदर अब सारा पेट्रोल खत्म हो चुका होता है। रिजर्व का मतलब होता है इमरजेंसी में इस्तेमाल किया जाने वाला पेट्रोल। तो दोस्तों, अब कंक्लूजन ये निकलता है कि आपको अपनी बाइक का जो ये ऑयल रेगुलेटर है, इसको हमेशा ऑन की पोजीशन में रखना चाहिए, क्योंकि जब इसे आप ऑन की पोजीशन में रखेंगे, तो जो आपका रिजर्व ऑयल है, वो हमेशा बचा रहेगा, उसका इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। जब आपकी बाइक के अंदर थोड़ा सा पेट्रोल कम होगा, तभी ये आपको सिग्नल दे देगा कि बाइक के अंदर पेट्रोल कम हो रहा है, ठीक है। लेकिन उस समय भी आपके पास रिजर्व ऑयल होगा। रिजर्व ऑयल सिर्फ इमरजेंसी के टाइम यूज़ किया जाता है। जब आपकी बाइक के अंदर पेट्रोल ख़त्म हो जाए, तो उस समय आप इसे रिजर्व में करके कुछ किलोमीटर तक इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि मैंने आपको बताया था जो आपकी ये जो टोंटी होती है, इसके अंदर दो पाइप्स लगी होती हैं, एक छोटी और एक बड़ी, ठीक है। तो जो छोटी पाइप है, यानी कि एक बड़ी पाइप और एक छोटी पाइप, ठीक है, तो इन दोनों के बीच में जो बचा हुआ ऑयल है, वो उस समय यूज़ होने लगेगा जब आप इसे रिजर्व में कर देंगे। तो आपको हमेशा बाइक को ऑन पोजीशन में रखना है, और इमरजेंसी के टाइम आप उसे रिजर्व में कर सकते हैं, लेकिन रिजर्व में करने के बाद आपको उसके अंदर जल्दी से जल्दी पेट्रोल डलवा लेना चाहिए। सो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। अगर आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हो। तो मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।